एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ विद फाकिहा में. आज हम आए हुए हैं पोटैप्सको स्टेट पार्क मैरीलैंड में. तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी. यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो चुका है तो पत्ते बिल्कुल झड़ गए हैं. बिल्कुल कोई बिलीव नहीं करेगा, जो एकदम ग्रीन थे अब वो जो है एकदम झड़ के. आप ये देखिए व्यू, ज़बरदस्त व्यू, एकदम फिल्मों वाला व्यू है. सारे पत्ते सब झड़ चुके हैं. ये एकदम लश ग्रीन होता है लेकिन एकदम से सारे जो है ना वो झड़ जाते हैं पत्ते. तो मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी. सो लेट्स गो. ये देखिए कैसा यहाँ पे सब झाड़ झाड़ है. ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अगर फोटोग्राफी करें तो मज़ा आता है. ठंड भी बढ़ती जा रही है. नवंबर है जैसा कि आप लोगों को पता है और फिर दिसंबर में तो फिर यहाँ स्नो ही शुरू हो जाती है. तो पहले तो ये ग्रीन ग्रीन से होते हैं सारे और सारे झड़ गए पत्ते. ऐसे देखिए ग्रीन है अभी फिलहाल, अभी ये झड़ा नहीं है. ये मेरे हस्बैंड फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने चैनल के लिए. जल्द ही जो है वो ये आप पिक्चर्स और वीडियोस इनके चैनल में देखेंगे. प्यारा लग रहा है, रेड रेड सा है ये पत्ते. अरे हर कलर के पत्ते हैं, आप देखें कोई भी आपको कलर जो है ना वो एक जैसा नहीं लगेगा. हर कलर, ये अल्लाह में ही कुदरत है. इतनी छोटी सी वो देखें बारबेक्यू ग्रिल करीब जाती है. जूते जो है ना ये देखें आप लोग कैसी आवाज़ आ रही है. ये देखें कर रहता है, बड़ी प्यारी लगती है ये आवाज़. ये मैं ये है यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल. पता नहीं ये यूज़ भी होती होगी कि नहीं, कौन करेगा इसको यूज़. ये देखें यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन से हैं कड़ कड़ पत्तों की, बड़ा प्यारा लगता है. ये वहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका, बहुत आगे निकल आई हूँ. ये देखें वहाँ पे आपको रोड नज़र आएगी. ऐसा ना हो यहाँ से कोई जानवर निकल के आ जाए. ओ ऐसे भी होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा जंगल जंगल सा है. मैं कहीं फंस गई मुझे लग रहा है. ओ गॉड, तो ऐसा यहाँ होता है वैसे ना. निकल जाते हैं कभी कभी, जानवर भी आ जाते हैं. चले हम वापस चलते हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप लोगों को और भी दिखाती हूँ चीज़ें. यहाँ मैं थोड़ा सा, वैसे तो यहाँ सब यही है, यही सब कुछ है इस पार्क में. तो इन फ्यूचर मैं आप लोगों को और भी जो है वो चीज़ें दिखाऊंगी यहाँ की, जैसे जैसे होगा स्नो होगी या सब कुछ इंशाल्लाह. ये
ये पटेप्सको वैली स्टेट पार्क, इन्होंने लिखा है कुछ यूनियन डैम। ओके, इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, कब बना था ये सारा आपको इसमें नजर आएगा। मेरे हस्बैंड भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हम यही देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। देखें यहाँ से आगे जाके देखते हैं कि क्या है। ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है। नीचे देखते हैं क्या है। तो मैंने आप लोगों को ये पार्क का व्यू दिखाया है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे फॉल है इस वक्त, तो आप लोगों को अभी भी जो है थोड़ा बहुत हरियाली नज़र आ रही होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे बिल्कुल ही ये हरे पत्ते ख़त्म हो जाएंगे और स्नो शुरू हो जाएगी। तो मेरी कोशिश थी थोड़ा सा आप लोगों को इसका मैं पार्क का व्यू और थोड़ा सा यहाँ पे एक पीसफुल सा माहौल है वो दिखाऊं। इंशाल्लाह देखें अगली वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूँगी और कुछ अलग दिखाऊंगी यहाँ पे वीडियोस आप लोगों को बना के। तो चलें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।